शुद्ध ग्रीन पटाखे। क्या बात है यार, पटाखे पटाखे पटाखे। ओए ओए, तू ललित का मुंडा है ना, लास्ट ज़ॉम्बी टू सरवाइव। वाह बेटा, शुद्ध ग्रीन पटाखे। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। तुझे पता है, तुझसे पहले जितने भी ज़ॉम्बी थे ना, हराम खोर पोल्यूशन वाले पटाखे बेचते थे, सबको मैंने मरवा दिया, बट तू अच्छा लग रहा है। अब एक काम कर, मेरी गीतू को ना फुलझड़िया बहुत पसंद है, और मुझे स्काई शॉट, ये दोनों निकाल दे। साला इस दिवाली भी छोटे छोटे पटाखों से काम चलाना पड़ रहा है, कोई बड़ा बम नहीं मिल रहा यार। ओ तू कौन है बे? मैं बैटमैन हूँ। वो मेरे को बेवकूफ समझता है, वो बैटमैन था, तू चुस्मैन है। ओ आजकल हाथ ज्यादा हिला रहा हूँ ना, इसलिए कमजोर हो गया। Naughty America। यार बैटमैन, यार वो वाली वीडियोस तो मेरे को भी भेज दिया कर। ओ वो वाला हाथ हिलाना नहीं, आजकल जिम जाके हाथ थोड़ा ज्यादा हिला रहा हूँ, इसलिए कमजोर हो गया यार। अरे वो सब छोड़ यार, बैटमैन यार ये तो बहुत बड़ा बम था, मैं तो छोटे छोटे पटाखे चला रहा हूँ, एक बम मेरे को भी दे दे प्लीज। ओ यार तू पहला पता था, ये पिछले साल का आखिरी बम पड़ा था, यही था, अब तो खत्म मेरे पास। साला बैटमैन भी किसी काम का नहीं है। ओए इस पे ग्रीन मोहर कहाँ है? नहीं है। साले पोल्यूशन वाले पटाखे बेच रहे और ऊपर लिखा हुआ है शुद्ध ग्रीन पटाखे। तुझे ना मैं अभी बताता हूं, तेरा ना बहुत हो रहा है, अभी रुक सुपर हीरोस को बुलाता हूं। सुपर हीरोस, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शक्तिमान? शक्तिमान क्या कह रहा था बुड्ढा? ओ बुड्ढा, मेरा मतलब शक्तिमान कह रहा था कि उसको हमारी जरूरत है। ओ पर हुआ क्या? ओ यार वो तो मेरे को भी नहीं पता, चले। ओ चाहो जा, मैं नहीं ले रहा। वैसे कह तो सही रहे तू, ये साला हमेशा हमें फंसा देता है और खुद निकल जाता है। हाँ, ये स्पाइडरमैन कहाँ है? पता नहीं। चल मकड़ी अच्छे से काम कर, अभी पोछा भी लगाना है। बाहर लोग दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हैं पर ये बुढ़िया स्पाइडरमैन से जाले साफ करवा रही है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यार मकड़ी तू सुबह से था कहाँ? बस यार दिवाली और दिवाली की जिम्मेदारियाँ। और सुपरमैन मेरा पटाखा कहाँ पे है? मैं तेरे को बताया तो था पटाखे खत्म हो गए। अबे पटाखा मतलब मेरे वंडर वुमन कहाँ पे है? अदरा साले चमगादड़, मेरी वंडर वुमन का नाम ना तमीज से लिया कर अपनी गंदी जुबान से। नानी के घर गई है छोटी दिवाली पे। तेरे को क्या हो गया? सुबह से मेरा प्यार मुझसे बिछड़ा हुआ है। साले भूल गया पार्टवन, लेके जाऊं हवा में? नहीं भाई नहीं। लगता रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी यार। ओ सुपर हीरोस इधर आओ। अरे यार ये बुड्ढा कहां से दिख गया यहाँ पे? आए आए शक्तिमान, चला जा। हाँ चाचा क्या हुआ? अबे 6 बजे का कॉल किया, 11 बजने को आए, कहां से तुम, क्यों नहीं आए? हम तो अब भी नहीं आ रहे थे। मेरा मतलब कि हम तो तभी आ रहे थे। अरे अब वो सब छोड़ो ना, ये बताओ हुआ क्या? अरे ये ज़ॉम्बी को देखो, पोल्यूशन वाले पटाखे लगा रखे हैं और ऊपर लिखा हुआ है शुद्ध ग्रीन पटाखे। अबे कितना पोल्यूशन होगा यार। सुपरमैन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, अपनी लेजर से इस साले भड़वे को जला दो और अपनी फूक से इस सारे क्रैकर्स को फ्रीज कर दो। मुझे अपने सुपर हीरोज पे पूरा भरोसा है। लूटो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तीन। बैंड के लोड़ो बिक गए ना? लो 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 लो, इसमें भी हमारी गलती है। अरे इतने सारे पटाखे एक साथ देख के मन तो ललचाएगा ना, और मैं इनको फ्रीज कर दूं। सुपर हीरोज
प्रतिष्ठा, प्रशासन। अरे चल चल यार, बुड्ढा भोकता रहेगा, चल चल यार। दिवाली दिवाली यार, अगर वहां पे उस बुड्ढे की बात मान लेते ना तो इतने बड़े पटाखे नहीं मिलते हमें, मजा आ गया। दिवाली 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 सुपर हीरोज गीता बबीता, प्रशासन, एलविश यादव, अज्जू 007, सब भूल चुके हो तुम। तुम सुपर हीरो हो, तुम्हारे पास सुपर पावर्स है। ओ चाचा बोर मत कर, दिवाली मनाने दे। अबे भाई कुछ तो डायलॉग बोलने दो। अबे किसने लिखी है स्क्रिप्ट यार? मैंने मैंने भाई, कुछ डायलॉग नहीं है क्या मेरे? अच्छा बोल ले। सुपर हीरो, तुम्हारा काम है देश की रक्षा करना, इस बढ़ते हुए पोल्यूशन से लोगों को बचाना, और हर साल दिवाली पे लाखों लोगों की जान जाती है इस पोल्यूशन की वजह से। इसलिए मैंने कसम खाई है कि इस साल दिवाली पर कोई भी पोल्यूशन वाला पटाखा नहीं जलाऊंगा। जलाऊंगा तो सिर्फ ग्रीन क्रैकर जलाऊंगा, मिठाइयां बांटूंगा, सील तोड़ूंगा। क्या तोड़ोगे? पटाखों की सील तोड़ूंगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है ना, तो चलो मेरे साथ उस ज़ॉम्बी को बता देंगे कि हम सुपर हीरोस क्या कर सकते हैं। अबे तू थोड़ी सुपर हीरो चाचा, सुपर हीरोस तो हम हैं। अरे तुम क्या कर सकते हो, चलो। सुपर हीरोस, आर यू रेडी? यस। ओ ललित के लड़के, द लास्ट ज़ॉम्बी टू सरवाइव। अब हमें एहसास हो गया है कि हमें इन पॉल्यूशन वाले पटाखों की कोई जरूरत नहीं। शक्तिमान ने हमें एहसास दिला है कि अब ना ही तो हमें पॉल्यूशन वाले पटाखे चाहिए और ना ही अपनी धरती के ऊपर तू। अरे रुक जा भाई, VFX के पैसे कहां से आएंगे? सही कह रहे मकड़ी, फिर इसको मारे कैसे? हाथ कब काम आएंगे हमारे? पीछे हो जाओ सुपर हीरोज। सुपर हीरोज, फाइनली अपने शक्तिमान चाचा का बदला ले लिया है। लेकिन एक सेकेंड, ये शक्तिमान चाचा है कहाँ? फाइनली 4 महीने बाद हम लोगों का कमबैक हुआ है। अब वो कमबैक कैसा है ये तो आप बताओगे कमेंट करके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो उसको प्लीज एक लाइक कर देना एंड सबके साथ शेयर कर देना। कमेंट करके मेरे को ये बताना कि भाई टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को एंड हमारी मेहनत कैसी लगी है। बाकी गाइज, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है जस्ट प्रूफ व्लॉग्स के नाम से, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं वहां पे डेली व्लॉग डालता हूँ, बहुत मजेदार मजेदार। तो अगर आपको मेरी डेली लाइफ देखनी है, आपको चाहिए कि भाई पूर्व भाई क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी फैमिली कैसी है, घर कैसा है, गाड़ी कौन सी है, तो भाई जाके फॉलो कर लो, जाके सब्सक्राइब कर दो मेरे जसपुरू व्लॉग्स वाले चैनल को। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे डेली रील्स डालता हूँ, थोड़ी अलग है, थोड़ी नोटी वाली, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम का पेज, जाके फॉलो कर लो। बाकी गाइज, अब मैंने फाइनली 4 महीने बाद कमबैक किया है तो मेरे को भी मोटिवेशन मिली है एंड अगर आप लोगों ने प्यार दिखाया इस वीडियो पे बहुत ज्यादा तो मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा। फिर मैं महीने में कम से कम 3 या 4 वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। प्यार आपका, मैं टिन जसपुरू की, लव यू।